तो भाई लोग कैसे हो। तो गाइस 24 तारीख को गेम के अंदर आने वाला है एक ब्रांड न्यू एक्सयूट। तो इस एक्सयूट का इन गेम लुक, इसके इमोट्स एंड 1 स्टार से लेके 6 स्टार तक हम लोग को इसके अंदर क्या क्या देखने मिलने वाला है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे लेवल 1 एक्सयूट का लुक देख लीजिए। इस एक्सयूट का नाम होने वाला है एवलांच एक्सयूट एंड ये पूरा बेस्ड है ग्लेशियर थीम के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था। एंड लेवल 1 के बेसिक अपीयरेंस में ये एक्सूट एक्चुअली मुझे काफी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हमने जैसे फोटोज देखी थी, इसकी इमेजेस देखी थी, उसमें इतना मजा नहीं आ रहा था, और जब हम लोग को इसका एक्चुअल लुक दिख रहा है तो काफी सही लग रहा है। आपका क्या ख्याल है गाइस, कमेंट में आप बता सकते हो। एंड ये वाला है इसका लेवल 6 यानी कि 6 स्टार का लुक, जो सही लग रहा है भाई, सच में यार, सच बोलूं तो सही लग रहा है। एंड इसके बीच में हम लोग को बहुत सारी चीजें भी मिलने वाली है, तो चलिए पहले उस तरफ बढ़ते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जानते हैं। सो ऑलराइट गाइस, ये रहा इसका बेसिक अपीयरेंस, ये है एवलांच एक्सयूट 1 स्टार। ओके, एंड 24 दिसंबर को मैं इसे अनलॉक तो करने वाला हूँ एंड इसे अपग्रेड भी करने वाला हूँ। तो कमेंट्स में आप लोग बताना हम लोग को इसे कौन से लेवल तक अपग्रेड करना चाहिए, क्या हम इसे लेवल 3 तक करें जो इसका एडवांस्ड फॉर्म, लेवल 4 जहाँ पे मिल जाएगा विक्ट्री ब्रॉडकास्ट, या फिर फाइनल फॉर्म तक कर दे जो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो ये होने वाला है इसका टीममेट इंटरैक्शन। एंड ये है इसका लॉबी एक्सक्लूसिव इमोट। तो जैसे हमने देखा था पिछली बार, हम लोग को लगा था कि ये एक इमोट आने वाला है, बट एक्चुअली गाइज ये एक शेयर्ड इमोट होने वाला है एंड आप अपने टीममेट्स को लॉबी में फ्रीज कर सकते हो। एंड ये है इसका एडवांस्ड फॉर्म लेवल 3 एंड आई थिंक गाइज लेवल 3 में ये मिथिक बन जाता है ना, लेवल 1 एंड 2 जो है लेजेंडरी रहते हैं एंड लेवल 3 के बाद ये मिथिक बन जाता है, आई थिंक ऐसा ही है। एंड लेवल 3 का एडवांस्ड फॉर्म तो भाई कतई ओपी लग रहा है यार, बस एक ग्लेशियर M416 मिल जाए यार लेवल 7 की तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो क्या बोलते हो गाइज, एक्सयूट आने के पहले क्लासिक क्रेट ओपन किया जाए क्या, 200-300 क्रेट्स खोल के फिर से लक आजमाए, क्योंकि आना कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही लकी निकल रही है, मे बी हम लोग को हर एक गन के अंदर देखने मिल जाएगा, फिर चाहे आपकी गन अपग्रेडेड हो या फिर ना हो, हर एक गन में आपको ऐसा एक किल फिट मैसेज मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली बहुत सही चीज़ है एक्सयूट्स के साथ। तो जैसे ये एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट होगा, आगे की तरफ कुछ स्नो फ्लेक्स उड़ेंगी जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, बट मैं आपको इन गेम इसका लुक दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे आप लोग देख लेना। फिर ये वाला एंट्री इमोट जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दिखा दिया था, हम लोगों ने वहाँ पे गेस किया था कि ये वाला एंट्री इमोट हो सकता है जब आप लॉबी में जाते हो अपने स्क्वाड के साथ, तो इस तरीके से गाइज अपना बंदा एंट्री मारेगा अगर आप इसे लेवल 5 तक अपग्रेड करोगे तो। ठीक है, लेवल 5 तक भाई मुश्किल ही है, मैं सोच रहा हूँ लेवल 4 तक करूंगा, बट लेट्स सी, अगर आपने कमेंट्स में बताया इसे लेवल 5 या फिर लेवल 6 कर दो तो कोशिश करूंगा भाई, जरूर कोशिश करूंगा। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतने सारे पैसे गेम के अंदर कैसे खर्च कर पा रहा हूँ, तो गाइज ये सारे पैसे मैंने कमाए हैं विंजो से, वो भी काफी सिंपल, स्पॉन आइलैंड का जो एक्सक्लूसिव इमोट है जहाँ पे वो सीटी मारता है एंड कौवों को बुलाता है, भाई नेक्स्ट लेवल है, ये वाला तो उसे बिल्कुल बीट नहीं कर सकता। बट यस, इसके फाइनल फॉर्म में कुछ बात जरूर है भाई, कितना मस्त लग रहा है यार, पूरा बर्फ से बनाया गया है, ग्लेशियर वाला लुक दिया है एंड काफ़ी सारा गोल्डन कलर भी यहाँ पे है, इसे बहुत हैवी एंड बहुत बल्की बना रहा है, तो फाइनल फॉर्म मुझे पसंद आया भाई, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसके साथ आने वाले 4 मिथिक आउटफिट्स, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में दिखा चुका था, तो इसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, बट एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई थी तो वो वाली है ये देखिए गाइस, ये होने वाला है आर्कटिक होवर बोर्ड, भाई जबरदस्त लग रहा है यार होवर बोर्ड की स्किन, एंड पूरे चांसेस है सिल्वर फ्रैगमेंट्स में बिल्कुल फ्री में भी मिल सकती है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका इन गेम लुक किस तरीके से होने वाला है। तो अगर किसी बंदे के पास ये एक्सयूट है एंड वो आपके लॉबी में आता है तो इक्विप एक्स एलिमेंट कुछ इस तरीके से होने वाला है, एंड ये होने वाला है इस एक्सयूट का लॉबी एक्सक्लूसिव इमोट जो आप अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर सकते हो। एंड कोई लेवल 5 एक्सयूट वाला बंदा लॉबी में एंटर करेगा तो उसकी एंट्री आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगी।
एंड ये रहा गाइस लेवल 4 का विक्ट्री ब्रॉडकास्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये किल फीड मैसेज आएगा इसके आजू बाजू कुछ स्नोफ्लेक्स उड़ने वाली है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका लुक। एंड वैसे गाइस ठीक ठाक लग रहा है जो स्नोफ्लेक्स उड़ रही है, जो इसे काफी बढ़िया लुक दे रहा है। एंड ये रहा गाइज इसका स्पॉन आइलैंड एक्सक्लूसिव इमोट। तो ये इमोट मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा, ओके सा ठीक ठाक सा है। एंड जाते जाते देख लीजिए इसका एक शॉर्ट टीजर जहाँ पे आपको इसका एक पूरा ओवरऑल लुक देखने मिल जाएगा। वैसे गाइस बताना एक्सूट कैसा लगा आप लोग को, एंड क्या आप में से कोई इसे अनलॉक करने की कोशिश करने वाला है? एटलीस्ट इमोट्स के लिए तो कर ही सकते हो गाइस, क्योंकि सिल्वर फ्रेगमेंट से स्पिन मिलती है एंड अभी रिसेंटली एक इवेंट चल रहा है उसके थ्रू काफ़ी सारे सिल्वर भी मिले हैं, तो कोशिश कर सकते हो। मे बी वो कूल होवरबोर्ड आपको मिल जाए या फिर पैराशूट या फिर इमोट्स, तो कुछ भी मिल सकता है। तो आई डोंट थिंक फ्री वाली स्पिन करने की कोशिश करने में कोई हर्ज है। एंड गाइज मैं टोटल 30 रॉयल पास की गिव अवे करने वाला हूँ, तो 20 तारीख को रॉयल पास आने वाला है, तो आई बटन पे वीडियो है उसके थ्रू आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। एंड आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक देना, चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल सब्सक्राइब करिए।